हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा एंड माय चैनल नेम इज़ ग्लैम यू। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम बात करने वाले हैं वुमेन हाइजीन से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में। हम क्या करते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं, अपने हेयर्स का ध्यान रखते हैं, अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो हमारी पूरी बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है, वजाइना, प्राइवेट पार्ट, उसका हम कितने अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। एक कपड़ा है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कांटेक्ट में हमेशा रहता है, पैंटी। बिल्कुल सही समझा आपने। लेकिन अंडरगार्मेंट्स को आप कितना क्लीन रखते हैं, उसे क्लीन रखना कितना ज्यादा जरूरी है, उसी बारे में हम आज बात करेंगे। टीनेजर्स को इस सारी बातों के बारे में पता नहीं चलता। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम थोड़े से नॉलेजेबल होते जाते हैं, आसपास से पता चलता है, इंटरनेट सर्च करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आज मैं आपको वही सारी बातें बताने वाली हूँ। कुछ पॉइंट्स हम इसके अंदर कवर करेंगे आपके अंडरगार्मेंट्स से रिलेटेड। पहली चीज़ यह है कि जो अंडरगार्मेंट्स हैं वो हमेशा कॉटन के होने चाहिए, क्योंकि कॉटन का जो कपड़ा होता है ना, वो बहुत ब्रीथेबल होता है, एयरी होता है, हवा आराम से आ जा सकती है। तो अभी विंटर्स आ रहे हैं जैसे, तो अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो ठीक है, लेकिन जब समर्स होते हैं ना, तो उस टाइम पे खासतौर पे स्वेटिंग होती है या मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है, तो वो एक जगह अगर पानी इकट्ठा रहता है तो उसमें जर्म्स आते हैं। तो एज इट इज वहां पे भी आपके प्राइवेट पार्ट पे भी सेम चीज होती है। जब एक जगह पानी इकट्ठा रहेगा, मॉइस्चर इकट्ठा हो जाएगा, स्वेटिंग इकट्ठी हो जाएगी, तो जर्म्स हो जाएंगे, जिससे बहुत सारी डिजीजेज, इन्फेक्शन, वजाइनल डिजीजेज, वजाइनल इन्फेक्शन की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, वो सब हो सकती है। तो ओकेजनली कभी साटन या सिल्क का पहनना ओके है, ठीक है, लेकिन तभी भी मैं यही बोलूंगी कि हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज साटिन या फिर सिल्क के अंदर ना जो हवा है वो पास नहीं हो पाती। दूसरी चीज ये है कि पैंटी की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो हमेशा अच्छी क्वालिटी का कपड़ा आपको लेना चाहिए। कपड़ों पे बहुत सारा एक्सपेंस करते हैं, मेकअप पे करते हैं, पार्लर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन पैंटी का जो कपड़ा है कई बार ऐसी लोकल मार्केट से खरीद लेते हैं जो अच्छा नहीं होता। तो हमेशा ध्यान रखें कि पैंटी की जो क्वालिटी है वो अच्छी ही होनी चाहिए। थर्ड जो पॉइंट यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं वो है, बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए। जब हम यू नो लाइक जब भी पैंटी आप ट्राई करते हो बाहर या कुछ, तो जब खड़े रहते हो और जब हम बैठते हैं तो उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। जैसे जीन्स वगैरह अगर पहनते हैं, खड़े हैं तो ठीक है, बैठते हैं तो थोड़ा टाइट सा फील होता है। तो सेम चीज़ होती है पैंटी के साथ भी, अगर खड़े हो तो ठीक लग रहा है, लेकिन जब बैठे हैं तो उसके जो स्ट्रिप्स है उसका निशान पड़ जाना, या फिर आपकी स्किन उसमें से बाहर निकल रही है, तो उस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है। उस तरीके की पैंटी यूज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। पैंटी आपको हर यू नो लाइक पोस्चर में, हर बैठने में, खड़े होने में, हर तरीके से वो आपको कंफर्टेबल ही होनी चाहिए। ऐसे ही पैंटी का इस्तेमाल करें, टाइट पैंटी का यूज बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यू नो लाइक हानिकारक साबित हो सकता है। देन आता है वन डे वन अंडरवियर। एक दिन में आपको एक ही अंडरगार्मेंट पहनना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि एक ही अंडरगार्मेंट को आपने दो दिन तीन दिन रिपीट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है, बहुत हार्मफुल हो सकता है ये आपके लिए। तो एक दिन में एक अंडरवियर करें। अगर आप जिम जाते हैं या आप कहीं बाहर बहुत ज़्यादा यू नो लाइक शॉपिंग करके आए हैं, थक गए हैं, उस तरीके से अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, एक्सरसाइज हो गई है, तो उस केस में तो मैं आपको बोलूंगी कि आप दो चेंज करें एक दिन के अंदर, ताकि जो स्वेटिंग वगैरह है वो वहां पे इकट्ठी ना हो पाए। जब भी वॉशरूम जाते हैं तो हमेशा अपने वजाइना को भी साथ के साथ क्लीन करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे भी विंटर्स भी हैं, अगर बहुत सारे लोग अगर दो ही ले रखा है, अगर नहीं सूखा तो एक ही को रिपीट कर लिया, नहीं ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। जिस तरीके से हम एक कपड़ा हर रोज नहीं पहन सकते, हमें बदबू आती है, कुछ होता है, इरिटेशन लगने लगती है, सेम पैंटी के साथ भी होता है। एक दिन में एक पैंटी पहने, पॉसिबल हो तो दो बार चेंज करें, लेकिन एक पैंटी को एक से ज्यादा दिन बिल्कुल भी ना पहने। देन अपनी पैंटी को कभी भी बाकी कपड़ों के साथ मत धुलिए। जैसे अगर वॉशिंग मशीन लगाई, उसी के अंदर उसको डाल दिया, या कोई भी अंडरगार्मेंट उसके अंदर उसको डाल दिया, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। इससे बाकी कपड़े जो हैं वो गंदे हैं, उसी के साथ आप पैंटी भी डाल रहे हो तो उसके जर्म्स भी इसमें लगेंगे, इसके जर्म्स भी उसमें लगेंगे, फिर आप उसी को अपने प्राइवेट पार्ट पे पहन रहे हो। नो, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको हमेशा पैंटी को हैंड वॉश करना है, तो मतलब ल्यूक वॉर्म वाटर लेना है, उसके अंदर डिटर्जेंट डालना है, माइल्ड डिटर्जेंट, उससे आपको अपनी पैंटी को वॉश करना है। और उसी तरीके से आपको अपना, अगर ब्रा पहन रहे हैं, ब्रा या पैंटी दोनों को इसी तरीके से आपको वॉश करना है, बाकी कपड़ों के साथ इसको बिल्कुल भी नहीं धोना। देन आती है बात कि अब इसको सुखाएं कैसे। सुखाना आपको हमेशा सन ड्राई है, ये नहीं कि घर में कहीं पे भी रख दिया और वो बिल्कुल ठंडे उसमें ही सूखा जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं करना। जब आप धूप में सुखाते हैं ना, तो सन ड्राई करने से
क्या होता है, सन ड्राई करने से जो बैक्टीरिया वगैरह है वो मरते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपने अपनी पैंटी को सूखने को रखा है वहां पे धूप तो हो ही, साथ में धूल मिट्टी ना हो। अगर बालकनी में रखते हैं, नीचे धूल मिट्टी वाली रोड है कुछ है, तो वहां ना रखें, ऐसी जगह रखें जहां वो धूल मिट्टी के कॉन्टैक्ट में ना आए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया चिपक जाएंगे, धूल मिट्टी लग जाएगी, फिर उसी को पहनोगे तो फिर वापस से वो दिक्कत करेगा। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा इचिंग होती है, इचीनेस होता है, और बैक्टीरिया होता है, बदबू आने लग जाती है, तो ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी पैंटी जो है वो क्लीन नहीं है, एज वेल एज वजाइना क्लीन नहीं है। तो वजाइना को भी क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रिक्वेंटली चेंज करिए इसे, एक पैंटी को, ये नहीं कि साल दो साल ऐसे चलाए जा रहे हैं, एक पैंटी को ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 महीने ही आपको चलाना है, उससे ज़्यादा यूज़ मत करिए। और इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर वो उसका कपड़ा ख़राब होने लगा है, उसकी इलास्टिक ख़राब होने लगी है, तो उस टाइम तो उसको ज़रूर से बदल दें, क्योंकि वो जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है अगर वो 6 महीने 8 महीने से पहले ख़राब हुई है और वो आपको नुकसान कर रही है, कहीं ना कहीं उसका कपड़ा अच्छा नहीं है। तो कॉटन फैब्रिक का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और एक पैंटी को 6 से 8 महीने 10 महीने बट उसके ऊपर बिल्कुल भी यूज मत करिए। देन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है, इस बारे में बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत अलग अलग तरीके की बातें बताई होंगी, लेकिन नो अंडरगार्मेंट एट नाइट। सारे कपड़े हम पहनते हैं रात को, ऐसा कहा जाता है, और ये फैक्ट भी है कि हमें ना ब्रा या पैंटी रात के टाइम पे नहीं पहनना चाहिए, थोड़ा सा एयर पास होने दीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रा भी अवॉइड करिए रात को पहनने के लिए, और पैंटी भी अवॉइड करिए, तो बहुत ही एयर पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि वहाँ की जो स्किन है वो भी अच्छी रहे, उसे भी लाइक जैसे आपकी बाकी बॉडी को सांस लेने की जरूरत, टाइट कपड़ों में कैसे दम घुटता है ना, एज इट इज़ आप वहीं का भी समझ लीजिए, उसी तरीके से आपको वहाँ पर भी रात को अंडरगार्मेंट्स पहनना अवॉइड करिए। अगर नहीं कंफर्टेबल है तो पहन सकते हैं, लेकिन अगर कंफर्टेबल है तो अवॉइड करिए। देन अंडरगार्मेंट को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है आपको। ये हम जब बड़े होते हैं तो हम तो नहीं करते, एज के साथ समझ आने लगता है, लेकिन खास तौर पे ये वाली बात उन टीनेजर्स के लिए है जो कहीं हॉस्टल में रहते हैं या कभी पिकनिक पे गए, कहीं गए, कहीं पे भी गए, और अगर नहीं है तो अपना अंडरगार्मेंट दे दिया किसी को, बेशक आपने मजबूरी में दिया, बेशक आपने अच्छा करने के लिए दिया, लेकिन ना तो किसी को अपना अंडरगार्मेंट दीजिए और ना ही लीजिए। अगर दे भी दिया है तो वापस ऐसा मत करिएगा कि उसको लेके और फिर से वापस पहन लिया क्योंकि वो आपका है, नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस चीज का ही ध्यान रखिए कि बेटर यही है कि अपने अंडरगार्मेंट्स को किसी के साथ भी शेयर मत करिए। तो ये थी पैंटी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी सी बातें जिसको आप ध्यान में रखें, बहुत सारे इन्फेक्शंस डिजीजेस से बच सकते हो। आपको पता है इन्हीं सारी गंदगी की वजह से वजाइनल कैंसर तक हो सकता है, जो कि बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। जितना ऊपरी सुंदरता ज़रूरी है उतनी ही अंदरूनी सुंदरता भी ज़रूरी है, तो वहाँ का भी ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। होप आपको जो ये वीडियो है वो पसंद आया होगा, ये नॉलेज अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन थैंक यू, बाय। टीनेजर्स नहीं है या हैं तभी भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे आसपास जो छोटे से बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, टीनेज में हैं, ये सारी बातें एक दूसरे से नहीं पूछ पाते हैं, ताकि ये जो नॉलेज है वो स्प्रेड हो। ऑलराइट, बाय।